Derive an expression for the pressure exerted by gas molecules on the walls of container. And write the formula for pressure. Pressure का आपके पास जो फॉर्मूला आया था दैट वॉज 1/3 m into capital N C bar square, जिसको हम लोग V भी ले सकते हैं. This can be as V bar square divided by capital V. इसमें से एक एक डेटा को बताते जाते हैं हम लोग. What is small m? This is mass of writing work. बेटा साथ में continue करेंगे. Mass of each molecule. Okay. Capital N is total number of molecules. C bar is RMS speed of gas molecules. That is root. This is R for root, M for mean, and S for square. And this capital V is the volume of container. Volume of container. क्योंकि हम already देख चुके हैं कि जो gas की density है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर नहीं है. दैट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज फिल्ड. ठीक है, अब ये जो आपके पास पूरा डेटा है m इंटू एन, वी हैव m इंटू एन, दिस इज कैपिटल m. मतलब इसको हम बोलेंगे मास ऑफ गैस. ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कैसे आएगा आपके पास 5 kg ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो दिस 5 kg विल बी ट्रीटेड एज द मास ऑफ गैस. ठीक है, पूरा ये जितनी भी गैस ली है आपने, जो भी गैस आपने कंटेनर में फिल की है, उसको हम बोल देंगे सिंबल कैपिटल एम, दैट इज होल मास ऑफ द गैस. तो आपके पास ये फॉर्मूला नेक्स्ट वे में क्या आ जाता है, 1/3 कैपिटल एम सी बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो नाउ मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी. सो दिस इज 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम के प्लेस पर फॉर्मूला आ गया रो इनटू सी बार स्क्वायर. तो आपके पास ही प्रेशर के तीन फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किए थे इन द लास्ट क्लास. ठीक है, नाउ टुडे राइट फर्स्ट क्वेश्चन. आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज इंटरप्रेटेशन of kinetic energy of a gas using kinetic theory of gas. So this is a very important board as well as competitive exam question. किसी में भी ये expected है ये वाला question. तो इसमें सबसे पहले आप logic बना लो अपना. What is the basic formula for kinetic energy? As we know, half m v square. ठीक है, but यहाँ आप v के place पर कौन सी velocity ले रहे हैं? You are taking the RMS speed here. ठीक है, यहाँ पर आप ले रहे हैं RMS speed. तो ये formula हो जाएगा आपके पास half m into c square. डन, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास बेसिक काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम इंटू सी बार का स्क्वायर. अब लिखा हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू 1/3 सबसे पहले आता है, देन एम
इंटू कैपिटल एन इंटू सी बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. नाउ चेक इट, यहाँ ये जो पूरी टर्म है इसके प्लेस पर आपने कंबाइन किया था प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी. आप चेक करो आपके पास लैकिंग क्या है, यहाँ पर 5 लैकिंग है ना, सॉरी 2 लैकिंग है, मतलब 1/2, 1/2 होना ही चाहिए, बट प्रेजेंटली हमारे पास है 1/3, तो हम यहाँ पर बाय 2 दोनों साइड कर देंगे. ऐसे वी हैव डिवाइडेड 2 ऑन बोथ द साइड्स, ये दोनों साइड्स हमने 2 डिवाइड कर दिया. अब हम ये वाला जो टर्म है इसको कंबाइन कर लेंगे, ये आ गया आपके पास हाफ एम सी स्क्वेयर, वेयर एम इज द कंप्लीट मास ऑफ द गैस. ये जो टर्म है आपके पास इसको आपने पूरे को क्या बोल दिया कि दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट डू वी गेट, पी बाय टू इक्वल्स टू 1/3. इसके प्लेस पर आपने ये जो मैंने ग्रीन सर्कल किया हुआ है, रेड सर्कल किया है, इसके प्लेस पर आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, दीज टू डेटा, ये जो दोनों डेटा है वो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाता है 3 पी बी डिवाइडेड बाय 2. तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, चेक करो, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. यहाँ दो डेटा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है. इतने पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, जस्ट टेल मी बाय व्हाट्सएप मैसेज एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, देन वी कैन गो अहेड. तो यू गेट द फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पी वी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ये जैसे क्वेश्चन है आपके पास काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम कि बिकॉज वी हैव रिटन पी वी इज इक्वल टू, पी वी इज इक्वल टू, ये आपके पास जो गैस इक्वेशन आता है उसके बेसिस पर आप क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू आर टी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. सो नाउ वी आर टेकिंग इट ओनली फॉर 1 मोल, कि आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं 1. ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोल्ट्समैन्स कॉन्स्टेंट इनटू एवोगैड्रोस नंबर. ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में. अगेन लिसन, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोल्ट्समैन्स कॉन्स्टेंट एंड एवोगैड्रोस नंबर. सो ओवर हियर वी कैन पुट दिस वैल्यू, सो वी गेट पी वी इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए इंटू टी. ये मिला आपको, अब आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला था जस्ट अभी 3/2 पी वी. ठीक है जो, ठीक है, तो अब आप यहाँ वैल्यू डालते हैं. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एज 3/2 के बी इंटू एन ए इंटू टी, ये हमने पी वी की वैल्यू डाल दी. दिस इज द आंसर फॉर काइनेटिक एनर्जी. नाउ चेक, 3/2 कॉन्स्टेंट है, बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट इसका नाम ही है, एंड एज वी नो वेरी वेल एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट है ये, एवोगैड्रोस नंबर है ये, तो आप इन सब को कॉन्स्टेंट ले लेंगे टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ केटीजी, केटीजी मीन्स काइनेटिक थियरी ऑफ गैस. अब कैसा टेम्परेचर आना चाहिए, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड एब्सोल्यूट, एक्स में आप ऐड करते हो 273, देन इट कन्वर्ट्स इनटू केल्विन.
ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो वी कैन राइट वन क्वेश्चन, कंपेयर न्यूमेरिकल, कंपेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट टू टेम्परेचर्स. पहले हम लोग सिंपल लेके चलते हैं, जिसमें आपको टेम्परेचर्स ऑलरेडी केल्विन में ही गिवन हो. ठीक है, फाइंड इट्स आंसर. Ke1, सबसे पहले आप यहाँ बेसिक फॉर्मूला लिख लो. Ke इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. नाउ मेक द फॉर्मूला फॉर 1/2. तो दिस इज T1/T2. फाइंड आउट वैल्यूज और आंसर बता दो. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. यूज व्हाट्सएप टू टेल आंसर, जिस बच्चे का सबसे पहले आ जाता है. यस बेटा, क्या आया आंसर? 1/2 आया सबका आंसर. हाँ, हर्ष ने भेज दिया है सबसे पहला आंसर. तो आंसर इज 1/2, बिकॉज व्हाट यू आर पुटिंग हियर, वी आर पुटिंग 400 केल्विन डिवाइडेड बाय 800 केल्विन. सो आंसर विल बी 1/2. नाउ राइट न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड, कंपेयर कंपेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 500 डिग्री सेल्सियस एंड, ठीक है, ये मैंने सेल्सियस पर लिया हुआ है, एंड आई एम टेकिंग नेक्स्ट टेम्परेचर एज 1000 केल्विन. अब गलती से भी आपको यहाँ डायरेक्ट ऐसा नहीं लेना है कि आपने T1/T2 डायरेक्ट ले लिया तो 500/1000 कर दिया, तो मैम ये तो आंसर 1/2 आएगा. नेवर, जस्ट टेक केयर ऑफ द प्रॉपर यूनिट. दिस टेम्परेचर इज गिवन इन सेल्सियस, कन्वर्ट फर्स्ट इट इनटू केल्विन, देन यू कैन अप्लाई दिस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नाउ टेल मी आंसर, नॉट एग्जैक्ट आंसर बट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. मेरे पास में ऑप्शंस हैं, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, कांट बी डिटरमाइंड. चार ऑप्शंस लिख रही हूं मैं. फर्स्ट ऑप्शन इज लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द आंसर. यस यस, परफेक्ट आंसर है. श्रेयस ने सबसे पहले न्यूमेरिक आंसर दे दिया. दिस इज 773/1000, बिकॉज कैसे आएगा आपके पास, दिस इज काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2. परफेक्ट है बेटा सबका आंसर. T1/T2, तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे, +273, और नीचे तो ये बढ़िया दिया हुआ है केल्विन में ही, ऊपर वाले ने गड़बड़ी की थी. तो दिस इज 773/1000 एंड दिस आंसर इज लेस देन 1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. न्यूमेरिकल नंबर 3, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 373 सेल्सियस इज 10 जूल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट 773 सेल्सियस. दिस इज डिग्री. यस, फाइंड आउट आंसर. जो अननोन है ध्यान रखना, उसको आपको न्यूमरेटर में लेना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन बताएंगे आप. दिस इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन. आप डेटा लिख लेंगे, व्हाट इज T1, T1 का आंसर लिखो प्रॉपर, T2 का आंसर लिखो प्रॉपर, देन Ke1 का आंसर लिखो, और आपको फाइंड करना है यहाँ Ke2. तो आप फॉर्मूला ही ऐसा बनाओ ताकि ट्रांसफरिंग कम से कम रहे. सो दिस इज इक्वल टू T2
T2 डिवाइडेड बाय T1, अननोन को हमेशा न्यूमरेटर में ही लेकर चलो टू सेव द टाइम एंड टू अवॉइड द मिस्टेक्स. फाइंड आउट आंसर. अब देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले भेजेगा आंसर. ट्वेंटी पॉइंट 373 का आंसर क्या आएगा पहले आपके पास. दिस इज 373 प्लस 273. ठीक है, सो व्हाट इज दिस आंसर है 646 केल्विन. एंड दिस इज 773 प्लस 273, सो दिस विल बी 1046 केल्विन. तो आपने यहाँ पुट कैसे किया, 1046 डिवाइडेड बाय 646. कॉम्पिटिटिव के व्यू में अगर हम देखें तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, सो दिस रिमेन्स एज 5/3. ठीक है, ध्यान से देखो, बोर्ड में करना है तो आप डायरेक्ट स्टेप क्या लगाएंगे, एनटी डायरेक्ट स्टेप फॉर बोर्ड, एनटी लॉग ऑफ 1046 माइनस लॉग ऑफ 646. नो नीड टू कट इट बाय टू फर्स्ट, डायरेक्टली अप्लाई लॉग एंड देन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी 1. बट इफ यू हैव टू टेक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देन हाउ इट विल बी काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय कितनी एनर्जी दी हुई थी आपको इनिशियल टेम्परेचर पर 10 जूल. सो दिस विल बी इक्वल टू 5/3 कॉम्पिटिटिव के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 50/3. तो अप्रोक्सीमेट आंसर आता है आपके पास 16 पॉइंट समथिंग. दिस इज जस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर, नॉट वेरी एक्यूरेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट न्यू क्वेश्चन. डिफाइन डिफाइन फर्स्ट पॉइंट इज मीन वेलोसिटी. तो दिस इज जस्ट डिनोटेड बाय सी मीन, सबस्क्रिप्ट आ जाएगा. थोड़ी थोड़ी प्लेस छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर. सेकेंड इज मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सी बार स्क्वेयर. ठीक है, दिस इज ऐसे लेंगे इसको, ऐसे मतलब मीन पूरे के ऊपर आएगा. कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिविजुअल वेलोसिटीज का स्क्वायर करना है, देन आपको उनका मीन लेना है. तो आपको रिवर्स वे में जाना पड़ता है. एंड थर्ड पॉइंट इज मीन रूट मीन स्क्वायर. थर्ड पॉइंट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड विच इज डिनोटेड बाय सी रूट मीन स्क्वायर. सिर्फ ऐसे भी बोल सकते हैं हम या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप. ठीक है, दैट इज वाई इन द फर्स्ट पॉइंट आई हैव डिनोटेड बाय द सबस्क्रिप्ट मीन, सो दैट टू अवॉइड द कंफ्यूजन. तो मान लो आपके पास में फर्स्ट मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी है सी वन. सेकेंड वेलोसिटी, सेकेंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है आपके पास में सी टू. ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है सी टू. थर्ड मॉलिक्यूल की सी थ्री एंड एन मॉलिक्यूल्स हैं, लास्ट वाले की है सी एन, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन. मीन हम कैसे निकालते हैं, वैसे ही हम निकाल लेंगे मीन वेलोसिटी. मीन कैसे निकालते हैं, हम सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं लाइक दिस और डिवाइडेड बाय एन कर देंगे. ठीक है, अब अगर ये सिर्फ डेफिनेशन में आता है तो यू मे पुट वेक्टर साइंस ओवर हियर लाइक दिस, ऐसे कर सकते हैं आप. बट अगर ये न्यूमेरिक फॉर्म में आता है, नंबर्स के फॉर्म में आता है, तो आपको यहाँ पर वेक्टर साइन या फिर एरोस नहीं लगाने हैं, वैल्यूज पुट करने हैं. ठीक है, अगेन आई एम कंसीडरिंग सेम डेटा कि मेरे पास सी वन फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, सी टू सेकेंड मॉलिक्यूल की है, सी थ्री थर्ड मॉलिक्यूल की है, एंड सो ऑन सी एन nth मॉलिक्यूल की है. तो
तो फिर मैं क्या करूंगी, हर एक स्पीड का वेलोसिटी का मैं स्क्वायर लूंगी, तो C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और लिया मैंने CN स्क्वायर, इन सबको प्लस किया। ठीक है, प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर नाम मिल रहा है आपको मीन, तो डिवाइडेड बाय कर दिया आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये आ गया आपके पास में, सबसे पहले स्क्वायर्स लिए थे और उसका मीन लिया था, तो दिस विल बी द सिंबल। तो ये जो वेक्टर साइन के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है बेटा, दिस इज फॉर द मीन, मीन के लिए ले रहे हैं हम ये सिंबल, क्योंकि कभी भी एक आप मान लो एक्स वेक्टर का स्क्वायर भी लेंगे तो दैट विल कम एज द एक्स स्क्वायर नंबर आ जाएगा, जिसको आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट से शो करते हैं, तो इट इज नेवर ट्रीटेड एज द वेक्टर क्वांटिटी, इट बिकम्स अ स्केलर। नेक्स्ट लिया हमने, अब देखो आपके पास ये नाम तो सेम है, दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अब आपको सिर्फ इसका रूट ले लेना है, तो ये जो ऊपर वाली बात है इसी का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो व्हाट इज सी आर एम एस इक्वल टू, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सो व्हाट इज दिस आंसर इज अंडर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड सो ऑन CN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब यूनिट्स चेक करो, इसका यूनिट होगा आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट होगा सी मीन का मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट यहां से देखेंगे आप, बिकॉज इन साइड अगर आप देखते हैं तो इट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट्स यूनिट विल बी एज यूजुअल दैट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हमने रूट और स्क्वायर दोनों ऑपरेशन एक साथ किए, तो डायमेंशन बचता है वेलोसिटी का 1, सो इट इज ओनली मीटर पर सेकेंड। तो जल्दी से बताओ, एनी डाउट इज देयर? अभी इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, इज देयर एनी डाउट? कोई भी क्वेश्चन है आपको वो भी पूछ सकते हैं आप। अभी हमें जो न्यू क्वेश्चन है इसमें, जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिया हुआ है, दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो डिफाइन डिफाइन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो देखो इसके नाम से आपको समझ में आता है, मोस्ट मोस्ट मीन्स होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी, मीन्स होता है चांसेस, सो फर्स्ट वी मे राइट द डेफिनेशन बाय एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट, सो राइट द, मैं सिर्फ इनिशियल्स लिख रही हूँ, आप लिखते जाएंगे पूरी डेफिनेशन, द वेलोसिटी विथ विच लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर मूव, क्योंकि वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली दिस इज इंडिकेटिंग द स्टेट ऑफ मोशन, इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एक बार रिवाइज करेंगे, द वेलोसिटी विथ विच लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द, दिस इज ऑफ द गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको जो टेम्परेचर कंडीशन है वो गिवन होगी, यू कांट टेक आर्बिट्ररी टेम्परेचर मूव, इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी।
तो इसको जो भी आप फॉर्मूला डिनोट करेंगे वो एक्चुअल डिनोट किया था, दिस वाज डिनोटेड बाय द साइंटिस्ट, द कर्व इज कॉल्ड एज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एंड एक्चुअली दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और बोर्ड में अगर ये आता है तो सिर्फ डेफिनेशन आता है. किस किस बच्चे को स्क्रीन पॉज हो गया है, बिकॉज आई हैव गॉट द मैसेज ऑफ स्क्रीन पॉज हो गया है, चेक करो इज इट फॉर एवरी चाइल्ड. हाँ, देन लॉग आउट करके रिटर्न लॉग इन कर लेंगे आप, ठीक है, जिनको ये प्रॉब्लम आया है. तो व्हाट इज द आंसर फॉर, व्हाट इज द आंसर फॉर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के कैपिटल टी के वी अपॉन स्मॉल एम. एक-एक डेटा का मीनिंग लिखते जाएंगे, वेयर के वी इज द एज यूजुअल बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन्स इट विल बी अ ग्राफ, तो इस एज वेलोसिटी एंड इट इज वाई एक्सिस, और ये है आपके पास में ओरिजिन. तो वाई एक्सिस पर आप ले रहे हैं यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, दिस टाइप ऑफ ग्राफ, एंड दिस पार्ट ए बी ए बी इज इंडिकेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक्सेस है, तो ये जो वैल्यू मिल रही है आपको ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मिल रही है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी वेलोसिटी को पजेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. तो एनी डाउट बेटा इन एनी कंसेप्ट, चेक कर लो एक बार. नो, अब लिखेंगे क्वेश्चन, राइट अ न्यूमेरिकल. If velocities of different gas molecules is given by 2 meter per second, 4 meter per second and 6 meter per second, हम लोग तीन ही मॉलिक्यूल्स लेते हैं अभी, जस्ट टू गेट द कंसेप्ट. फाइंड, फर्स्ट आएगा आपके पास जस्ट मीन वेलोसिटी. मीन तुम लोगों को प्रीवियस क्लासेस से निकालना आता है, जस्ट राइट द प्रेजेंटेशन कि उनके सिंबल्स क्या क्या आएंगे. सेकेंड, वी हैव टू फाइंड द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब सी बार मीन. सबसे पहले स्क्वायर ले लिया और उसके बाद उसका मीन ले लिया. थर्ड इज आर एम एस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एंड फोर्थ इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. तो इसका फॉर्मूला आपको नोन है, अंडर रूट ऑफ 2 KT बाय एम. सो व्हाट डू वी नीड टू नो, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो सपोज मैंने आपको यहाँ टेम्परेचर दे दिया 223 डिग्री, 227 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इसको केल्विन में कन्वर्ट करना ओरल वर्क रहेगा आपका, इफ आई एम टेकिंग 227, ठीक है. चलो
करो ट्रायल स्टार्ट। फर्स्ट ई मेन, सिर्फ यहाँ अगर मैंने मेन लगा दिया है तो इट इज नॉट नीडेड टू अप्लाई हियर, सो दिस में ओनली बी रिटन एज सी मेन। टू प्लस 4 प्लस 6 बाय 3, सो दिस इज 12 बाय 3, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया। तो आपको ये एवरेज स्पीड मिल रही है कि सपोज आपको गैस को, पूरी गैस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर यू आर नॉट टेकिंग 3 मॉलिक्यूल्स, ऑल्दो आप कहेंगे कि पूरी की पूरी गैस में रैंडम मोशन है 4 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करना है हमें, सेकेंड इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो दिस विल बी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होल बाय 3, बट इसमें यू हैव टू टेक केयर दैट द यूनिट शुड बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कॉम्पिटेटिव्स में भी केयरफुल रहने वाली बात है। 4 प्लस 16 प्लस 36, तो कॉम्प्लीमेंट सर्च करते हैं आप हमेशा मैथ्स में, पार्टनर सर्च करते हैं, तो दिस मेक्स 20 एंड नाउ 20 प्लस 36 विल बी 56, सो दिस इज 56 बाय 3 एंड वी आर गेटिंग द आंसर एज 1 8.6 एंड द यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थर्ड रूट मीन स्क्वायर। तो फॉर दिस आपको अगेन ऐसे नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, 18.6 का रूट ले लेना है एंड द आंसर विल बी इन मीटर पर सेकेंड, बिकॉज जब आपने इसका रूट लिया होगा सो आंसर वुड बी मीटर पर सेकेंड। अब प्रोबेबल एक जो मतलब इसकी ट्रायल वैल्यू है वो सर्च कर लेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर्स देखो, विसिनिटी के परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है आपके पास, 16 एंड 25, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये आंसर किसके पास आएगा, 16 के ज्यादा पास है तो ये 4.5 से कम आंसर आएगा, तो ये आपने प्रेडिक्ट कर दिया। सो जो भी आंसर आपको 4.5 से कम दिया है एज वेल एज अलोंग विद द यूनिट मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द आंसर। एंड मोस्ट प्रोबेबल निकालने के लिए जस्ट यू विल बी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, √2 kT डिवाइडेड बाय m, वैल्यूज डाल देंगे तीनों की एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर फॉर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा, कोई प्रॉब्लम जा रही है आपको? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखो टॉपिक, डिस्कस रिलेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला क्या लेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, नोट करते जाएंगे, सिंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट अभी तक आपको बिल्कुल फैमिलियर हो जाना चाहिए। ज्ञानेश्वरी बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में वैल्यूज डालेंगे स्मॉल एम कैपिटल टी और बोल्ट्समैन्स कॉन्स्टेंट की, तो आ जाएगा आपके पास आंसर। री लॉग इन कर लो आप। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, एम एन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, तो ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ओनली वॉल्यूम, सो व्हाट डू वी गेट, पीवी इज इक्वल टू 1 बाय 3, और इसके प्लेस पर आप पूरा ले सकते हैं वापस कैपिटल एम सी बार स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास सिर्फ पीबी का आंसर।
ठीक है, अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन व्हाट डू वी हैव, पीवी इज इक्वल टू आर टी, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोगों ने इनके आरएचएस को इक्वेट कर दिया, सो राइट इक्वेटिंग इक्वेटिंग आरएचएस ऑफ वन, इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट 1/3 एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी. अब आपको फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर, मतलब सिर्फ ये फाइंड करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप पूरा लेते हैं तो दैट इज मीन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, सी बार स्क्वायर. पहले हमने मीन स्क्वायर निकाला, सो दिस इज इक्वल टू 3 RT डिवाइडेड बाय एम. ठीक है, ये मीन स्क्वायर आया. अब आपने बोला कि आरएमएस क्या होगा, तो आरएमएस के लिए आपने इसी का दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, सो व्हाट इज दिस, आरएमएस स्पीड इज अंडर रूट ऑफ 3 RT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम. ये आ गया आंसर. तो ये क्या था क्वेश्चन आपके पास, चेक करो, रिलेशन ऑफ आरएमएस वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, मतलब सी आरएमएस कैसे रिलेटेड है टेम्परेचर से, अंडर रूट ऑफ टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट कब जब मास ऑफ गैस कांस्टेंट हो. ये ध्यान रखना है कि अगर आपको दो डिफरेंट गैसेस दिए हुए हैं तो फिर आप फॉर्मूला चेंज कर लेंगे. जस्ट आई एम गोइंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, कि सबसे पहला अगर सिर्फ एक गैस दिए फॉर वन गैस, बट दो डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए आपको, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो इसको आप क्या बोलेंगे, वन गैस है मीन्स क्या हुआ, मास इज कॉन्स्टेंट. तो व्हाट वाज आंसर फॉर आरएमएस स्पीड, अंडर रूट ऑफ 3 RT अपॉन एम, 3 कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, तो क्या आया, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, सो आंसर विल बी C1 अपॉन C2, सिंस आरएमएस है ये, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय T2. और एक बार और ध्यान रखेंगे, KE1 अपॉन KE2 का रिलेशनशिप कैसा था, डायरेक्ट, क्योंकि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लेना है तो आपको इस क्वांटिटी का, काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए आपको इस क्वांटिटी का स्क्वायर करके हाफ एम दोनों में एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज रिलेशनशिप नंबर 1. अब लेते हैं हम लोग रिलेशनशिप नंबर 2 फॉर टू डिफरेंट गैसेस. सो आई एम टेकिंग रिलेशनशिप नंबर 2 फॉर टू डिफरेंट गैसेस, बट अब मैं टेम्परेचर सेम ले लूं, एक एक करके कंडीशंस बढ़ाएंगे तो सिंपल जाएगा. सबसे पहले लिखा आपने सी का एक्चुअल फॉर्मूला, आरएमएस स्पीड का 3 RT अपॉन एम. अब चेक करो, आपको टेम्परेचर सेम गिवन है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, 3 कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, सो वी गेट आरएमएस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ गैस. मास ऑफ गैस नहीं दिया तो मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, अब बताओ मुझे एक आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है. हाइड्रोजन है, परफेक्ट. ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, वेरी गुड, हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन का जो मास है वो लीस्ट है बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट गैस, तो उसकी जो आरएमएस स्पीड होगी, आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मैक्सिमम,
सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और बोर्ड एमसीक्यूज, दैट फॉर विच गैस द आरएमएस स्पीड इज मैक्सिमम, और सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी गैस की होगी, तो आंसर आ जाएगा वहां पर हाइड्रोजन. अब सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया हो, उसमें चार गैसेस दिए हो, ठीक है. अब मैं एक क्वेश्चन आपसे ही कॉम्पिटेटिव का पूछ ले रही हूँ. विच ऑफ द गैस हैज लीस्ट आरएमएस स्पीड. अब मैंने आपको चार गैसेस दे दी, ए बी सी डी. तो इसमें पहली गैस दी मैंने हाइड्रोजन, दूसरी दी नाइट्रोजन, तीसरी गैस दे दी मैंने ऑक्सीजन, और चौथी गैस दे दी कार्बन डाइऑक्साइड. बताओ, सोच के हम फाइंड मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ ईच गैस. यस, आई हैव गॉट आंसर एज CO2. सिद्धि ने फर्स्ट आंसर दिया है, परफेक्ट है आंसर. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 2. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है नाइट्रोजन का? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन? यस, नहीं, कितना होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 पूछ रही हूँ मैं, नॉट ऑफ एटॉमिक वेट नहीं पूछ रही हूं मैं आपसे. 28 होता है, ठीक है. ऑक्सीजन का कितना होता है? O2 का. यस, 32. एंड CO2 का क्या होता है? C का क्या होता है? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32. सो व्हाट इज दिस? 44. तो गिवन ऑप्शंस में से ये वाली जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम है. तो फिर आपने बोला था कि आरएमएस स्पीड मॉलिक्यूलर वेट के भी स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर सबसे ज्यादा है, तो उसकी जो आरएमएस स्पीड होगी वो सबसे कम होगी. तो परफेक्ट है, सारे इंटेलिजेंट बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, इसी में एक और केस आएगा. नेक्स्ट केस आएगा आपके पास फॉर टू डिफरेंट गैसेस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स. नाउ सी, नथिंग इज कॉन्स्टेंट. फर्स्ट वी राइट द बेसिक फॉर्मूला फॉर आरएमएस स्पीड, अंडर रूट ऑफ 3 RT डिवाइडेड बाय m. 3 कॉन्स्टेंट, r कॉन्स्टेंट. सो वॉट कैन बी राइट फॉर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड मास? आर एम एस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम, ठीक है. तो वॉट इज C1 अपॉन C2? सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो दिस विल बी कैरिंग द रेशियो T1 अपॉन T2, बट सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सो इट इज M2 अपॉन M1, क्योंकि C1 के क्रॉस में आएगा M1, C2 के क्रॉस में आएगा M2. दिस इज परफेक्ट फॉर्मूला. इज इट डन? न्यूमेरिकल कर सकते हैं इस पर? एक लिखो, एक न्यूमेरिकल. Write a numerical on this. If nitrogen has RMS speed as, देखो मैं इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ अभी, मैं अभी आपसे पूछ कर लिखूंगी, ठीक है. हम अपने आप से बना रहे हैं प्रॉब्लम. इफ नाइट्रोजन हैज आरएमएस स्पीड एज ब्लैंक एट एट 323 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 623 डिग्री सेल्सियस. सो माय फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एंड आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन. What is the relationship between these two gases RMS speed? किसकी स्पीड ज्यादा होगी?
स्पीड इज मोर? अभी कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज है वापस, है ना. सम हैज गिवन आंसर ऑक्सीजन बट देन डिलीटेड. ठीक है, डिलीट कर दिया है. तो पहले चेक कर लो फिर से अगर कंफ्यूजन है तो. आपके पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28 एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32. सो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसकी आरएमएस स्पीड कम होगी ऐसे. तो ये आंसर आएगा आपके पास में. ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम. किसकी स्पीड फाइंड करनी है आपको, ये बोला हुआ था, उसको आप न्यूमरेटर में लेंगे. सो हमारे पास इक्वेशन है आरएमएस स्पीड इज अंडर रूट ऑफ 3 RT डिवाइडेड बाय m. ये दोनों कॉन्स्टेंट्स आ गए आपके पास. पुट वैल्यूज ऑफ अननोन, मतलब अननोन का सिंबल पहले लिखेंगे. C आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर एम एस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, इसके सामने आएगा टेम्परेचर नाइट्रोजन के सामने आएगा, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो पहले मैंने एम एम लिख दिया, अब मैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट यहां पर लिखूंगी. सो दिस इज ओ एक्स वाई एंड दिस इज NIT. ठीक है, अब आपने वैल्यूज पुट कर दी. व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, चेक करो. ये है ऑक्सीजन पर टेम्परेचर. तो इसमें जैसे ही आपने 273 ऐड किया, दिस इज 900 केल्विन. ठीक है, इसमें 273 ऐड किया, सो दिस इज 600 केल्विन. सो वैल्यूज डाल दी, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन है. यू शुड बी वेरी कीन ऑब्जर्वर फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ रेशियो क्वेश्चन. 600. व्हाट इज मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन 28, मास ऑफ ऑक्सीजन 32, ये कैंसिल हुआ पूरा, 3 जा 2 जा, ये आ गया रेशियो 3/2, ये कैंसिल हुआ 4 से 7 जा 8 जा. सो व्हाट इज द आंसर, अंडर रूट ऑफ 21/16. अब 21/16 मींस क्या हुआ, व्हाट इज 21/16, 1 point something हुआ. तो यहाँ आपको जो भी वैल्यू दी होगी, जैसे सपोज यहाँ पर जो नाइट्रोजन की स्पीड थी, वहां मान लो आपको वैल्यू दी थी 400 मीटर पर सेकेंड, तो आपको जो भी ऑक्सीजन का आंसर मिलेगा वो 400 से कम मिलना चाहिए. तो दिस इज फर्स्ट कंसेप्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हाइल चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, कि आपको पहले तो ये देख लेना है क्या सिर्फ एक ऑप्शन 400 से कम है. अगर सिर्फ एक ऑप्शन 400 से कम है तो फिर इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको डायरेक्ट वो ऑप्शन पर टिक कर देना है. बट अगर 2 या 3 ऑप्शंस 400 से कम है, तब फिर आपको ये लॉन्ग मेथड से जाना है. तो अब हम क्या लिखेंगे, चेक करो. व्हाट वाज सी ऑक्सीजन अपॉन सी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आरएमएस, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आया, 21/16, 1 point something आ गया. ठीक है, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 point something. अब इसकी वैल्यू थी 400, तो व्हाट इज द आंसर फॉर सी ऑक्सीजन इनटू मल्टीप्लाइड बाय सी नाइट्रोजन. एक बार सी ऑक्सीजन जो आएगा वो लेस देन सी नाइट्रोजन कब आएगा, व्हेन वी कैन कंपेयर दिस, व्हेन द टेम्परेचर इज सेम. बट यहाँ हमने क्या लिया हुआ है इन दिस क्वेश्चन, व्हाई दिस आंसर डिफर्स लाइक दैट, बिकॉज टेम्परेचर्स आर डिफरेंट. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन नॉट अप्लाई दिस क्लू इफ द टेम्परेचर्स आर डिफरेंट. तो यहाँ जो भी आंसर आया आपके पास में, नाइट्रोजन 21/16 का आंसर आप लोगों ने बताया हुआ है,
अंडर रूट ऑफ 1.31, तो वो करीब करीब अंडर रूट ऑफ 1.31 इस रेंज में आएगा. तो दिस विल बी अबाउट 1.1 समथिंग, मल्टीप्लाई कर दो 400. सो व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन? दिस इज 400 इनटू 1.1, 1.1. सो आंसर विल बी अराउंड 440 मीटर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? बट अगर टेम्परेचर सेम रहे तो आप ऑप्शंस में डायरेक्ट चूज कर लेंगे कि 400 से कंपैरेटिव आंसर किस केस में आ रहा है. दैट विल बी आंसर. इन दिस क्वेश्चन टेम्परेचर इज डिफरेंट, सो वी हैव गॉट दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन. एनी प्रॉब्लम बेटा किसी भी बच्चे को? ठीक है, तो एंड करती हूँ अभी मैं क्लास. कल जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी तो फर्स्ट आई विल बी टेकिंग ओरल टेस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सो रिमेंबर.